हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पी मैसेज। फन फैक्ट के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे 6 मूवीज के बारे में डेट टुक नो टाइम टू शूट, जिन्होंने शूट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया था। तो फर्स्ट मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट मूवी है द रशियन आर्क, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। इसकी फिल्मिंग में टाइम लगा था 3 आवर्स एंड इसका रन टाइम है 90 मिनट। अगर इसके बजट की बात करते हैं तो वो है मोर देन 25 लाख डॉलर्स। अगर इसके बॉक्स ऑफिस के रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो है मोर देन 86 लाख डॉलर। हमारी सेकंड मूवी है द लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी। एक ब्लैक एंड वाइट मूवी थी एंड इसके फिल्मिंग में टाइम लगा था 2 डेज। इसके रन टाइम की बात करें तो ये था 72 मिनट। अगर इसके बजट की बात करते हैं तो वो है मोर देन 27,000 डॉलर। अगर इसके बॉक्स ऑफिस के रेवेन्यू की बात करें तो वो है मोर देन 25,000 डॉलर। तो थर्ड मूवी है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, जो कि 1999 में रिलीज हुई थी। इसके फिल्मिंग में टाइम लगा था 8 डेज एंड इसका रन टाइम है 81 मिनट। अगर हम इसके बजट की बात करते हैं तो वो है 60,000 डॉलर्स। अगर इसके बॉक्स ऑफिस की कमाई की बात करें तो वो है मोर देन 25 करोड़ डॉलर्स। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज। सो गाइस, फोर्थ मूवी की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ मूवी है हमारी फोन बूथ, जो कि 2002 में ही रिलीज हुई थी। अगर इसके फिल्मिंग की बात करें तो 12 डेज में शूट कर ली गई थी एंड इसका रन टाइम है 81 मिनट। अगर हम इसके बजट की बात करें तो वो है 1.3 करोड़ डॉलर्स एंड अगर इसके बॉक्स ऑफिस की कमाई की बात करें तो वो है मोर देन 9 करोड़ डॉलर्स। सो गाइस, हमारी सेकंड लास्ट मूवी है विक्टोरिया, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। इसका फिल्मिंग टाइम है 138 मिनट, मतलब ये मूवी 138 मिनट में शूट कर ली गई थी एंड इसका रन टाइम भी 138 मिनट है। अगर इसके बजट की बात करें तो वो है मोर देन 50 to 1 lakh डॉलर के अराउंड एंड अगर इसके बॉक्स ऑफिस की कमाई की बात करें तो वो है मोर देन 31 लाख डॉलर्स करी एंड इनके बॉक्स ऑफिस के रिवेन्यू की बात करें। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रीमियर सीरीज।